हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने नर्सिंग एक्सपर्ट के ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस के अंदर। तो डियर, पढ़े थे अपने सीरियस, ठीक है, सीरियस के अंदर प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा था डिसेंडिंग एरोटा, अभी पढ़ रहे हैं एब्डोमिनल एरोटा। ठीक है, एब्डोमिनल एरोटा, इज दैट क्लियर? एब्डोमिनल एरोटा, ठीक है, कि एब्डोमिनल एरोटा किससे कहते हैं। ठीक है, एब्डोमिनल एरोटा अपने 12th नंबर की जो थोरेसिक वर्टिब्रा है उसके बिहाइंड द डायफ्राम। ठीक है, 12th नंबर की जो थोरेसिक वर्टिब्रा है, ठीक है, 12th नंबर की जो थोरेसिक वर्टिब्रा है और बिहाइंड द डायफ्राम, बिहाइंड द डायफ्राम, ठीक है, डायफ्राम से नीचे 12th नंबर की जो थोरेसिक वर्टिब्रा है, ठीक है, जो 12th नंबर की जो थोरेसिक वर्टिब्रा थी उसके नीचे से जो डायफ्राम, बिहाइंड द डायफ्राम, वहां से जो नीचे की तरफ जो एरोटा अराइज होगा उससे उसको क्या बोलेंगे, एब्डोमिनल एरोटा। ये क्या है, इसकी सिचुएशन है, कहां पे कि ये जुड़ा रहता है, कहां पे इसकी लोकेशन है, ठीक है, एब्डोमिनल एरोटा की, इज दैट क्लियर? तो एब्डोमिनल एरोटा इसकी कौन कौन सी आर्टरीज निकलती है, कौन कौन सी कहां कहां पे ब्लड सप्लाई होती है, पढ़ेंगे अभी। तो क्लास को कंटिन्यू करें, अपने नर्सिंग एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब करें और मोर नोटिफिकेशन वीडियो देखने के लिए अपने बेल आइकन भी दबाएं और प्लीज क्लासे देखते रहे प्रॉपर। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताएं, अपने व्हाट्सएप लिंक से जुड़ के भी आप व्हाट्सएप से भी सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पोस्ट अप कर सकते हो, इज दैट क्लियर? एंड एब्डोमिनल एरोटा, एब्डोमिनल एरोटा, ठीक है, इसकी आर्टरी सप्लाई एब्डोमिनल एरोटा कहां से करता है, आर्टरी सप्लाई दो प्रकार की है, ठीक है, इसमें भी आर्टरी सप्लाई कैसे किस प्रकार की है, आर्टरी सप्लाई इसमें दो प्रकार की है, ठीक है, कैसे कैसे आर्टरी सप्लाई में इसको दो भागों में बांटा गया, वापस आर्टरी सप्लाई दो प्रकार से, कैसे कैसे आर्टरी सप्लाई दो प्रकार से है, इसमें फर्स्ट वन तो है पेयर्ड आर्टरीज और दूसरी है अनपेयर्ड ब्रांचेस। ठीक है, फर्स्ट वन कौन सी है, पेयर्ड ब्रांचेस, कौन सी है, पेयर्ड ब्रांचेस और दूसरी है अनपेयर्ड। ठीक है, पेयर्ड ब्रांचेस मीन्स की जोड़ी, ठीक है, एक जोड़े के रूप में, पेयर्ड का मीन्स क्या होता है, जोड़े के रूप में, ठीक है, एक जोड़े के रूप में, पेयर्ड ब्रांचेस कौन कौन सी है, पेयर्ड ब्रांचेस और अनपेयर्ड ब्रांचेस। ठीक है, आर्टरी सप्लाई के अंदर कौन सी है, एब्डोमिनल एरोटा के अंदर आर्टरी सप्लाई करवाते हैं। ठीक है, एब्डोमिनल एरोटा आर्टरी का स्कोर, एब्डोमिनल एरोटा है, इससे कौन कौन सी आर्टरी राइज होती है, कौन कौन सी ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई करती है, कौन कौन सी आर्टरीज निकलती है। ठीक है, तो फर्स्ट वन है पेयर्ड ब्रांचेस, ठीक है, पेयर्ड ब्रांचेस और दूसरा है अनपेयर्ड ब्रांचेस। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं पेयर्ड ब्रांचेस कौन कौन सी है। ठीक है, एब्डोमिनल एरोटा और एड्रेनल सप्लाई, ठीक है, एड्रेनल सप्लाई इसको वापस दो भागों का मतलब डिवाइडेड किया गया है, पेयर्ड ब्रांचेस और अनपेयर्ड ब्रांचेस, पेयर्ड ब्रांचेस और ये है अनपेयर्ड ब्रांचेस। ठीक है, अनपेयर्ड ब्रांचेस, पेयर्ड ब्रांचेस के अंदर फर्स्ट वन आर्टरी निकलती है जिसका नाम है इंफीरियर फेरिंग आर्टरी। क्या नाम है, इंफीरियर फेरिंग आर्टरी, इंफीरियर फेरिंग आर्टरी। ठीक है, दूसरी आर्टरी जिसका नाम रेनल आर्टरी, रेनल आर्टरी, टेस्टिकुलर आर्टरी एंड ओवेरियन आर्टरी। ठीक है, इज दैट क्लियर? और अनपेयर्ड ब्रांचेस के अंदर कौन कौन सी है, अनपेयर्ड ब्रांचेस के अंदर आर्टरी है अपने, इसका पहले देख लेते हैं पेयर्ड आर्टरी का, पहले इसकी ब्लड सप्लाई, जो ये इंफीरियर फेरिंग आर्टरी, कौन सी, इंफीरियर फेरिंग आर्टरी,
इन्फीरियर फेरिंग आर्टरी है वो ब्लड सप्लाई किस किस को करती है, ठीक है। ये जो इन्फीरियर फेरिंग आर्टरी है वो ब्लड सप्लाई किसको करती है, ये जो इन्फीरियर फेरिंग आर्टरी है अपने, ये ब्लड सप्लाई करती है अपने किसको, इन्फीरियर फेरिंग आर्टरी किसको ब्लड सप्लाई करेगी अपने, डायफ्राम को, किसको करेगी, डायफ्राम को, ठीक है। इन्फीरियर फेरिंग आर्टरी जो क्या एक पर पेड़ के रूप में किसके अंदर है, एक पेड़ के रूप में, ठीक है। रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी आपको पता है रीनल मींस क्या होता है, रीनल अपने किसको करेगी, किडनी को करेगी, सुप्रा किडनी को करेगी, किसको, किडनी को, एंड सुप्रा इसका जो पार्ट होता है सुप्रा, सुप्रा रीनल आर्टरी मींस एड्रिनल ग्लैंड, सुप्रा रीनल आर्टरी, सुप्रा रीनल आर्टरी मींस एड्रिनल ग्लैंड। जो अपनी एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे, कौन सा सिस्टम पढ़ेंगे, जो अपना एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे, ग्लैंड्स के अंदर कौन कौन सी ग्लैंड होती है जो अपने एक किडनी के ऊपर जस्ट सिचुएटेड जुड़ी हुई होती है जिसे कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। तो उसको भी कौन करेगी, रीनल आर्टरी, और किडनी को भी कौन करेगी, ब्लड सप्लाई, रीनल आर्टरी। जब इसका यूरिनरी सिस्टम पढ़ेंगे, जब एक्सक्रेटरी सिस्टम पढ़ेंगे उसके अंदर पढ़ेंगे किडनी का, जब किडनी का पढ़ेंगे उसके एक्सक्रेटरी सिस्टम के अंदर किडनी का जब स्टडी करेंगे तो उसके अंदर मैं बताऊंगा कि इसकी कौन कौन सी रीनल आर्टरी आती है, जो इसमें भी वापस कौन कौन सी आर्टरी लेके जाती है। टेस्टिकुलर आर्टरी करेगी अपने टेस्टिस को, मेल के अंदर जो टेस्टिस होता है उसको कौन करेगी, टेस्टिकुलर आर्टरी, और फीमेल के अंदर जो ओवरी होती है जो उसमें ओवेरियन आर्टरी होती है जो करेगी ओवेरी को ब्लड सप्लाई करेगी, कौन करेगी, ओवरी को करेगी ब्लड सप्लाई, ठीक है। मेल के अंदर जो टेस्टिस होते हैं उसको करेगी टेस्टिकुलर आवरी, टेस्टिकुलर आर्टरी ब्लड सप्लाई करेगी, और फीमेल के अंदर जो ओवेरी, जो ओवेरी होती है ओवेरी को कौन करेगी, ओवेरियन आर्टरी, ठीक है। जो फीमेल के अंदर जो ओवम बनाते हैं जो ओवेरी होती है उसमें ओवेरियन जो आर्टरी होती है वो करेगी, ठीक है, वो अपना ब्लड सप्लाई करेगी ओवेरियन आर्टरी के अंदर, क्या करेगी, ओवेरियन आर्टरी जो करेगी ओवेरी को फीमेल के अंदर, और टेस्टिकुलर जो आर्टरी है वो करेगी टेस्टिस को फीमेल के, मेल के टेस्टिस को ब्लड सप्लाई करेगी, ठीक है, मेल के टेस्टिस को। और रीनल आर्टरी जो किस, रीनल आर्टरी किडनी को, सुपर रीनल, सुप्रा रीनल किडनी को करेगी, और सुप्रा रीनल आर्टरी जिसमें एड्रिनल ग्लैंड सुप्रा रीनल आर्टरी भी बोलते हैं जो रीनल आर्टरी करेगी, और इन्फीरियर फेरिंग आर्टरी जो किसको करेगी, डायफ्राम को ब्लड सप्लाई करेगी। और ये जो है ब्रांच, ये क्या है, पेयर्ड ब्रांचेस है, कैसी है, एक पेयर्ड प्रकार की, एक पेयर्ड आर्टरी ब्रांचेस है, ठीक है। इज दैट क्लियर। अब देखते हैं अनपेयर्ड ब्रांच, अब देखते हैं अनपेयर्ड ब्रांच, अनपेयर्ड ब्रांचेस कौन कौन सी है, ये आ गया समझ में। पेयर्ड आर्टरी, पेयर्ड आर्टरी कौन कौन सी थी, इन्फीरियर फेरिंग आर्टरी, रीनल आर्टरी, टेस्टिकुलर आर्टरी और ओवेरियन आर्टरी। अनपेयर्ड के अंदर फर्स्ट उन्होंने सीलिएक आर्टरी कौन सी है, सीलिएक आर्टरी, जो इसका भी सीलिएक आर्टरी का वापस क्या है, इसके भी वापस क्या है, ब्रांचेस है, क्या है इसके वापस क्या है, सीलिएक आर्टरी की वापस क्या है, ब्रांचेस, ठीक है। तो इसको मैं तो लिख देता हूं, सीलिएक आर्टरी, ठीक है, ये किसकी है, अनपेयर्ड सीलिएक आर्टरी फर्स्ट वन, इसकी फर्स्ट ब्रांचेस है, सीलिएक आर्टरी की वापस ब्रांचेस निकलती है, ठीक है। कौन सी है, लेफ्ट, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है, रिपेटिक आर्टरी और स्प्लेनिक, स्प्लेनिक आर्टरी, ठीक है। और एक आर्टरी निकलती है और इसमें सुपीरियर मेस्टिक आर्टरी एंड इंफीरियर मेस्टिक आर्टरी, ठीक है, सुपीरियर मेस्टिक आर्टरी और इंफीरियर मेस्टिक आर्टरी, सुपीरियर, सुपीरियर मेस्टिक आर्टरी, मेस्टिक आर्टरी, और एक निकलती है इंफीरियर मेंट्रिक मेस्टिक आर्टरी, इंफीरियर मेस्टिक आर्टरी, ठीक है। जो अनफेयर ब्रांचेस है इसकी फर्स्ट में कौन सी, सीलिएक आर्टरी है, ठीक है ब्रांच, और सीलिएक आर्टरी की मेन ब्रांच कौन सी है, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। जो लेफ्ट, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी ये किसको करेगी अपने, किसको ब्लड सप्लाई करेगी, स्टोमक को, कौन सी लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है जो किसको करेगी, और इसका, इसके 2.5 सेंटीमीटर कितनी, 2.5 सेंटीमीटर सीलिएक आर्टरी क्या होती है, लॉन्ग होती है, ठीक है। और जो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है जो ये ब्लड सप्लाई करेगी अपने किसको, स्टोमक को, किसको करेगा, स्टोमक को। और जो हिपेटिक आर्टरी ये ब्लड सप्लाई किसको करेगी, अपने लिवर को, ठीक है। और स्प्लीन एक जो है अपने किसको करेगी, स्प्लीन, ठीक है, अपने स्प्लीन एंड पेनक्रियास, ठीक है, स्प्लीनिक आर्टरी, स्प्लीन एंड पेनक्रियास, हिपेटिक आर्टरी स्टोमक को, डुओडेनियम को और पेनक्रियास को, हिपेटिक अपने डुओडेनियम, स्टोमक और पेनक्रियास, हिपेटिक आर्टरी के जीबी से क्या करेगी अपने डुओडेनियम, डुओडेनियम प्रोसेस को करेगी किसको,
ड्यूटेनियम, स्टोमक, पेनक्रियाज, और ये भी स्प्लीन एंड पेनक्रियाज। पेनक्रियाज को क्या करेगी? स्प्लेनिक आर्टरी, और ये सुपीरियर मेस्टेक आर्टरी ये किसको करेगी? स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, और लार्ज इंटेस्टाइन और डिस्टल लार्ज इंटेस्टाइन रेक्टम, ठीक है। सुपीरियर किसको करेगी? स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन को, और इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी ये किसको करेगा? लार्ज इंटेस्टाइन को, और अपने रेक्टम प्रोसेस को, किसको करेगा? रेक्टम को, लार्ज इंटेस्टाइन को, ठीक है, किसको? लार्ज इंटेस्टाइन को और रेक्टम प्रोसेस को, ठीक है। अनफेयर ब्रांचेस के अंदर फर्स्ट वन है सीलिक आर्टरी, ठीक है, 1.25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, और सीलिक आर्टरी की ब्रांचेस निकलती फर्स्ट ब्रांच होती है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, जिसको करती है स्टोमक को ब्लड सप्लाई, किसको करती है? अपने पेट को ब्लड सप्लाई करेगी लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। दूसरी आर्टरी निकलती है किसकी? सीलिक आर्टरी की, हिपेटिक आर्टरी, जो ड्यूडेनियम, अपने बॉडी का जो ड्यूडेनियम होता है उसको, स्टमक को और पेनक्रियाज को करेगी, ठीक है। इसके बाद में स्प्लीन आर्टरी होती है, स्प्लेनिक आर्टरी होती है, जो अपने स्प्लीन को ब्लड सप्लाई करेगी और पेनक्रियाज को, और सुपीरियर मेस्टिक आर्टरी होती है, जो अपने स्मॉल इंटेस्टाइन को और प्रॉक्सिमल डिस्टल पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई करेगी, किसको? सुपीरियर मेस्टेक आर्टरी किसको ब्लड सप्लाई करेगी? स्मॉल इंटेस्टाइन को, और इन्फीरियर मेस्टेक आर्टरी करेगी लार्ज इंटेस्टाइन को और रेक्टम को। इन्फीरियर मेस्टेक आर्टरी किसको करेगा? लार्ज इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई करेगी, ठीक है। तो ये तो था अपना एब्डोमिनल एरोटा, एब्डोमिनल एरोटा की अपना था आर्टेरियल सप्लाई, ठीक है। एब्डोमिनल एरोटा का क्या था? आर्टेरियल सप्लाई, ठीक है। अब देखते हैं इसका वेनस रिटर्न, इसका वेनस रिटर्न कैसे होता है। विनस रिटर्न अपना एब्डोमिनल एरोटा, विनस रिटर्न ऑफ एब्डोमिनल एरोटा, ठीक है। विनस रिटर्न कैसे होता है? इसका विनस रिटर्न दो प्रोसेस होता है, पेड का अलग होता है और अनपेड का अलग होता है, ठीक है। पेड ब्रांचेस, पेड ब्रांचेस और अनपेड ब्रांचेस, अनपेड ब्रांचेस, ठीक है। ये जो पेड ब्रांचेस है, इसका पेड ब्रांचेस ब्लड लाके कहां पर अपना लाके डालेगी? राइट एंड लेफ्ट इलियक वेन के अंदर, किसके अंदर? राइट एंड लेफ्ट इलियक वेन के अंदर। प्रीवियस क्लास के अंदर दो इलियक वेन देखी थी, लेफ्ट एंड राइट इलेक्ट वेन के, ठीक है। जो पेयर ब्रांचेस किसके अंदर लाके छोड़ेगी? राइट एंड लेफ्ट इलेक्ट वेन के अंदर, और इलेक्ट वेन किसके अंदर लाके छोड़ेगी? अपना ब्लड ब्लड इन्फीरियर इन्फीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा लाके छोड़ेगी अपना ब्लड किसके अंदर? राइट एट्रियम के अंदर, किसके अंदर? राइट एट्रियम के अंदर, ठीक है। पेयर ब्रांचेस से इसका ब्लड रिटर्न वीनस रिटर्न पढ़ रहे थे, ठीक है। वीनस रिटर्न देख रहे थे, दो प्रकार से होता है, पेयर ब्रांचेस का अलग रिटर्न है और अनपेयर ब्रांचेस का ब्लड रिटर्न। ब्लड का जो वीनस रिटर्न है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, वो किस तरीके से आता है? तो पेयर ब्रांचेस का जो पेयर ब्रांचेस थी, पेयर ब्रांचेस कौन कौन सी देखी अपने, कौन कौन सी थी पेयर ब्रांचेस के अंदर? फर्स्ट आर्टरी कौन कौन सी थी पेयर ब्रांचेस के अंदर, ठीक है। रेनल आर्टरी थी, इन्फीरियर फेरिंग आर्टरी, टेस्टिकुलर आर्टरी थी, ओवेरियन आर्टरी थी, ठीक है। ये जो आर्टरी थी, ये पेयर ब्रांचेस थी, ठीक है, पेयर ब्रांचेस थी। और जो पेयर ब्रांचेस है, ये किसके अंदर ब्लड लाके छोड़ेगी? लेफ्ट एंड राइट इलेक्ट वेन के अंदर, और इलेक्ट वेन अपना इन्फीरियर वेना केवा के अंदर, और इन्फीरियर वेना केवा लाके छोड़ेगी राइट एट्रियम के अंदर अपना ब्लड लाके छोड़ेगी। इज दैट क्लियर, ठीक है। कैसे? पेड ब्रांचेस है, अनफेड ब्रांचेस है, ठीक है। अब अनफेड ब्रांचेस का देखते हैं, अनफेड ब्रांचेस कैसे छोड़ती है? अनफेड ब्रांचेस अपना लाके छोड़ेगी किसके अंदर? पोर्टल सर्कुलेशन के अंदर, पोर्टल सर्कुलेशन। और पोर्टल सर्कुलेशन इन्फीरियर वेना के बाद और राइट एट्रियम के अंदर। ये पोर्टल सर्कुलेशन क्या होता है, ये पोर्टल सर्कुलेशन क्या होता है, ये पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। जब नेक्स्ट वाली क्लास आएगी उसमें समझाऊंगा कि पोर्टल सर्कुलेशन क्या होता है। इसका वेरी इंपॉर्टेंट, इसका क्वेश्चन हमेशा आता है कि डिस्क्राइब करिए पोर्टल सर्कुलेशन को। पोर्टल सर्कुलेशन के अंदर एक प्रकार का सर्कुलेशन है जिसके अंदर बहुत सारी वेन मिलकर इसके अंदर अपना ब्लड लाके छोड़ती है, और पोर्टल सर्कुलेशन ब्लड ले जाके अपना किसके अंदर जाके छोड़ता है? इन्फीरियर वेना केवा के अंदर, और इन्फीरियर वेना केवा जाके अपना ब्लड छोड़ता है किसके अंदर? राइट एट्रियम के अंदर ब्लड लाके अपना छोड़ती है, ठीक है। किसके अंदर? राइट एट्रियम के अंदर लाके अपना ब्लड छोड़ती है, ठीक है। ये था, तो ये था अपना ब्लड सप्लाई, ठीक है। किस क्या था अपनी ब्लड सप्लाई पड़ा, आर्टरी सप्लाई, विनस रिटर्न देख रहे हैं। आर्टरी सप्लाई के अंदर पेयर ब्रांचेस अनपेयर ब्रांचेस का देखा, ठीक है। आर्टरी सप्लाई, अब विनस रिटर्न, विनस रिटर्न के अंदर दो प्रकार से पेयर ब्रांचेस का अलग है और अनपेयर ब्रांचेस का अलग है, ठीक है। पेयर ब्रांचेस राइट एंड लेफ्ट इलेक्ट वेन,
राइट एंड लेफ्ट इलिक वेन, इनफीरियर वेना कैवा और राइट एट्रियम। अनपेड ब्रांचेस है जो पोटर सर्कुलेशन, ठीक है, अनपेड ब्रांचेस किसके अंदर अपना ब्लड ला के छोड़ेगी, पोटर सर्कुलेशन करो, पोटर सर्कुलेशन किसके अंदर ब्लड ला के छोड़ेगा अपना इनफीरियर वेना कैवा का, और इनफीरियर वेना कैवा अपना ब्लड ला के छोड़ेगी राइट एट्रियम के अंदर, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो यह था अपना एब्डोमिनल एरोटा, ठीक है, एब्डोमिनल एरोटा टाइप्स ऑफ कौन को एब्डोमिनल एरोटा की कौन कौन सी आर्टरीज निकलती है और इसका एडमिनिस्ट्रेशन भी कैसे होता है, ठीक है, ये पढ़ लिया। अभी मिनिमम अभी दो से दो तीन क्लासेस है जिसके अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आपका सीरियस सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। इसके नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे आपको, ठीक है, तो आप कंटिन्यू क्लासेस को देखिएगा और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।